हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से सेल टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो वो टैक्स इनवॉइस हमारा बेसिकली दो तरीके से बनता है। एक कुछ इस तरीके से बनता है जहाँ पर हमारी कंपनी का नाम के साथ साथ कस्टमर की डिटेल और उसके बाद में प्रोडक्ट की डिटेल और यहाँ पे टैक्स की डिटेल। लेकिन ये जो हमारा एरिया ये बिल्कुल खाली आ रहा है। और एक हमारे पास कुछ टेली सॉफ्टवेयर में सेम इसी तरीके से इनवॉइस भी बनता है जहाँ पर ये हमारी पूरी डिटेल्स है जो शो होती है। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से ये ब्लैंक इनवॉइस आता है जहाँ पर पूरी डिटेल आप डालना चाह रहे हो लेकिन आपको ये ऑप्शन है जो मिल नहीं रहा है, तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम पूरी डिटेल के साथ हम टैक्स इनवॉइस को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाओ। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम टैक्स इनवॉइस नया बनाते हैं, वॉल्यूम पे हम चलते हैं। एफएट हमारे पास रहता है सेल इनवॉइस के लिए, डेट आपके पास कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने एक कस्टमर है नया, हम एल्थ सी के साथ नया कस्टमर है जो क्रिएट करते हैं। मैंने मान लीजिए मदन के नाम से एक नया कस्टमर क्रिएट कर लिया, ये हमारा कस्टमर है, हम इसको सैलरी डेप्टर में रखेंगे और उसके बाद में सारी डिटेल है जो इसकी फुलफिलअप करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जैसे हम स्टॉक आइटम पार्टी नेम से इंटरफेस करेंगे तो स्टॉक आइटम पर आ जाएगी। मान लीजिए हमने इसको स्टॉक आइटम में जो सेल करना स्टार्ट कर दिया, क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट हमारा यहाँ पर हमने डाल दिया। एंटर हम प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, टैक्स हम लगा देंगे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया, सिंपल इनवॉइस बन गया। हम पेज ऐप के साथ इसी इनवॉइस को वापस ओपन कर लेंगे और हम इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। कंट्रोल पी के साथ हम जाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे, तो प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिटेल तो आ गई लेकिन इस डिटेल के अंदर जो हमारे को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भरनी चाहिए थी वो हम भर नहीं पाए। ऑप्शन आ रहे थे, ठीक है ना, ऑप्शन हमें वाउचर एंट्री के दौरान ये दिखाई नहीं दिए लेकिन जब हमने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो प्रीव्यू के अंदर ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फुलअप इसको फुलफिलअप किस तरीके से करेंगे वो हम एक और हमारा टैक्स इनवॉइस है जो क्रिएट करते हैं। इनवॉइस नंबर हमारा 4 हो जाएगा, वाउचर पे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें एक कस्टमर यहाँ पर एक नया क्रिएट करते हैं अनिल कुमार के नाम से, सैलरी डेप्टर रहेगा, स्टेट रहेगा, सब कुछ फिलअप करते हुए हम इसको लेजर को क्रिएट कर देंगे। अब हमें जैसे आप पार्टी अकाउंट नेम पे आते हो तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको F12 बटन प्रेस करना है। और F12 बटन प्रेस करने के बाद में तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन आपका यस रहना चाहिए, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन ये भी ऑप्शन यस रहना चाहिए। और उसके बाद के अंदर ये जनरल डिटेल्स के अंदर हमें इन ऑप्शन को यस करना है। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है प्रोवाइड बाय डिटेल्स, इसको हम यस करेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, इसको भी यस करेंगे। और प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स को यस करेंगे। एक्सपोर्ट डिटेल हमें यस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट अगर आप आउट ऑफ कंट्री यानी कि बाहर के देश के अंदर अगर आप अपना प्रोडक्ट है जो सेल कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको एक्सपोर्ट डिटेल क्लिक करने की ज़रूरत है। कंट्रोल ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम जैसे ही अनिल कुमार के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिस्पैच डिटेल है जो आ जाएगी। सबसे पहले हमें जो डिलीवरी नोट्स है, जो आपका डिलीवरी नोट्स का नंबर है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में जो आपकी डिस्पैच का डिलीवरी का जो नंबर है, डेट कब की थी जो आपने डिलीवरी नोट है जो बनाया था, उसके बाद के अंदर अब यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो डिलीवरी नोट आ गया, अब आपने जो डिस्पैच किया उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है और ये डिस्पैच थ्रू यानी कि ये जो आपने किसके थ्रू डिस्पैच किया, बाई कोरियर किया है, बाई रोड किया है या ट्रांसपोर्ट के थ्रू किए, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी होती है। मान लीजिए मैंने लिख दिया बाय ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद के अंदर
यहाँ पर इसका ऑप्शन ऐसे डेस्टिनेशन यहाँ पर कौन सी जगह पर ये माल जा रहा है, हमने इसको एड्रेस दे दिया। उसके बाद के अंदर कैरियर नेम या जो भी आपका एजेंट है उसका नाम क्या है, मैंने यहाँ पर भी नाम इसका मान लीजिए मदनलाल कर दिया। और यहाँ पर बिल ऑफ जो LRRR नंबर यानी कि जो आपने बिल्टी इनवॉइस जो इशू किया है ट्रांसपोर्टर के देने के लिए उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना होता है, उसके ऊपर डेट आपने क्या लगाई है वो आपका डेटा। और उसके बाद में मोटर व्हीकल नंबर जो जिस गाड़ी के थ्रू आपका जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर का गाड़ी का नंबर कितना है तो वो हम यहाँ पर नंबर हमें लिखना होता है। उसके बाद में ऑर्डर नंबर, तो ये आपका कौन से ऑर्डर के थ्रू है जो प्रोडक्ट आप है जो वापस उनको भेज रहे हो तो आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पर आएगा। ऑर्डर आपने कब लिया था, हमने कह दिया हमने 1 नवंबर को लिया था। उसके बाद में मोड टर्म ऑफ पेमेंट्स यानी कि इसकी पेमेंट की कंडीशन क्या रहेगी, हमने कह दिया हम इसे कैश रिसीव करेंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई अदर रेफरेंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द ऑर्डर बाय मैनेजर यानी कि ये मैनेजर के द्वारा ऑर्डर दिया हुआ था इस प्रोडक्ट का। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या कंडीशन रहेगी, हम लिख सकते हैं 1 या 2 डेज यानी कि 1-2 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट हम डिस्पैच करेंगे आपके पास पहुँचा देंगे। एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद में पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप अलग से कोई इसका एड्रेस वगैरह या कोई एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। ये वैसे ये बाय डिफॉल्ट जब हमने अनिल कुमार का लेजर क्रिएट किया था टेली सॉफ्टवेयर के अंदर वहाँ से ये ऑटोमेटिक है जो उठा लेगा। एंटर प्रेस करेंगे, आइटम हम डाल देंगे, आइटम आपके पास कुछ भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही प्रोसेस रहेगा आगे की कहानी हमारा CGST टैक्स और SGST टैक्स। एंटर प्रेस करते हैं, हम इस वाउचर को भी सेव करेंगे और वापस मैं पेज आपके साथ 4 नंबर वाउचर को ओपन करूंगा। कंट्रोल P में प्रेस करूंगा और प्रीव्यू को हम देखते हैं। तो जैसे हम प्रीव्यू को देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टोटल डिटेल्स थी आपकी वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखिएगी। इनवॉइस नंबर है आपका, डेट, मोड टर्म, डिलीवरी नोट नंबर, रेफरेंस, इसका अदर रेफरेंस वगैरह क्या था और इसके बाद में आपका डिस्पैच नंबर, व्हीकल नंबर क्या था, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे इस इनवॉइस के साथ दिखेगी। अगर आपको ये व्हीकल नंबर ऑप्शन दिखाई न दे, जैसे वापस हम चलते हैं, अब जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हो आपके पास ये मोटर व्हीकल नंबर आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये मोटर व्हीकल नंबर ना दिखाई दो, ये कब किस कंडीशन में नहीं दिखाई देगा, अगर आपने F12 प्रेस किया और यहाँ पे आपने प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल इसको भी आपने यस कर रखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी हम इंटर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये आपको ये व्हीकल नंबर नहीं दिखाएगा, अब यहाँ पर आपको वो टोटल शिप की डिटेल है जो वो दिखाएगा सारी, वो उस कंडीशन के अंदर आपको वहां पर है जो लिखना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको टोटल जो आउट ऑफ कंट्री की जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लेके आओगे तो आपको एक्सपोर्ट को जो डिटेल है इसको आपको नो कर देना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, वापस देखेंगे तो ये मोटर व्हीकल का जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आप अपने सेल टैक्स इनवॉइस के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी फिलअप है जो डिटेल है जो लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी, नॉलेजेबल लगी तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।